अगर आपको चाहिए सपनों का आशियाना तो उसे पूरा करेंगे लखनऊ के सबसे बड़े बिल्डर रविंद्र अस्थाना, जिन्होंने लखनऊ शहर को कई बड़ी बड़ी लैविश लग्जरी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स दी हैं। अपना नया ड्रीम प्रोजेक्ट लेकर एक बार फिर रियल एस्टेट को एक नया लग्जरी तोहफा देने हाजिर है दोस्तों, गोल्डन टावर्स। जय माता दी दोस्तों, हाजिर हो जाए आपकी सेवा में एक बार फिर से अपने इस नए ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर गोल्डन टावर। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि पब्लिक से समझदार और कोई नहीं है, ये लिख के ले लीजिए। पब्लिक है जो सब जानती है, तो मैं क्या जानता कुछ नहीं। हाँ लेकिन एक बात जानता हूं, एक चीज है जिससे बड़ी हमारे जिंदगी में और कुछ नहीं, और वो है हमारा परिवार दोस्त। हमारी दादी की आरती, हमारी माँ की डांट, पिताजी की फटकार, भाई की दोस्ती, बहन का प्यार, और यही एहसास है दोस्तों जो किसी ईंट और पत्थर के मकान को घर बनाती है। तो सोचिए मत, आज ही बुकिंग कराइए। अस्थाना एवरग्रीन बिल्डर्स हमेशा आपके साथ है। जय माता दी। भक्त, लानत ऐसे बिल्डर पर जो खुद इतना बड़ा बिल्डर है और बहन को रहने के लिए छत नहीं दिया है। बहुत कमीना टाइप का लग रहा है हमको ये, इसको तो हम ऐसे उधेड़ेंगे ना, ऐसा उधेड़ेंगे कि जिस। अरे काउंटिंग नहीं, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको गुस्सा कैसे नहीं आ रहा है ये सब देख। आ रहा है, आप दोनों को गुस्सा आ रहा है तो मैं जाऊं? मैडम आराम से अपना गुस्सा कर लीजिए, पूरा टाइम लीजिए। मैं समझ गई, देखिए आपको गुस्सा होने से केस सॉल्व हो जाएगा नहीं ना? देखिए आपको डिपार्टमेंट ने यहाँ भेजा है पुष्पा जी की जगह। जब तक पुष्पा जी क्वारंटाइन से वापस नहीं आ जाती हैं, आपको उनका पोस्ट संभालने भेजा है, लेकिन आप तो बात भी पुष्पा जी जैसा करने लगी हैं। क्योंकि हमें अपना गुस्सा पालना आता है। आज अगर हसीना मैडम भी होती ना तो वो भी कभी नहीं चाहती कि आप अपना आपा खोकर कोई भी काम करें। नहीं, अगर आज हसीना मैडम होती तो उनका खून भी खोल रहा होता इनका तकलीफ देखकर और इसके भाई का कमीनापन देखकर। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आप कैसे शांत खड़ी हैं। अपने गुस्से का सही वक्त पे सही इस्तेमाल कैसे करते हैं वो भी जानते हैं, और आपको भी वही सिखाने की कोशिश किए थे, और हसीना मैडम तो आज तक आपको वही सिखाने की कोशिश कर रही है। अपने गुस्से को अपना हथियार बनाइए, अपनी कमजोरी नहीं मैडम। आपसे बहुत कुछ सीखा है हमने, आपके अंदर हमने ट्रेनिंग लिया है। ये कहना बहुत गलत होगा कि आज जो हम SHO की पोस्ट पे खड़े हैं ये आपके बिना नामुमकिन था। बहुत मानते हैं हम आपको, आपका बहुत आदर करते हैं, लेकिन ये कहना भी गलत नहीं है कि अस्थाना जैसे लोग सिर्फ बातों से रास्ते पे नहीं आते, इनको घुटनों पे लाना पड़ता है। पर मैडम, अस्थाना सड़क पे चलता हुआ गुंडा नहीं है जिसे आप दो कंटाप लगाकर उठाकर अंदर डाल देंगी। बहुत बड़ा आदमी है ये। ऐसा गुस्सा किस काम का जो अपना ही नाश करे। जरा सी ऊंच नीच हो गई ना तो सारा थाना लाइन हाजिर हो जाएगा। ये लो। पापा पानी पीजिए। बोले थे हम कि अच्छा जगह से खाना मंगाइए, लेकिन नहीं, हमारा कोई सुनता कहाँ है। कोई नहीं सुनता ना, तो बोलते क्यों? चुप रहो, तांबा का बाल उखाड़ के हाथ में दे देंगे, चुप रहा करो। नहीं नहीं, हमारे सामने सॉरी मैडम, सॉरी मैम, सॉरी। क्या था ये? लाउड स्पीकर के ऊपर का चीज था, चुप रहो तुम। बिरयानी बहुत अच्छी है। अरे थैंक यू। वो क्या है ना, बहुत दिनों के बाद ऐसा कुछ अच्छा खा रही हूँ ना। हाँ तो और लो। लो नहीं नहीं नहीं, खाओ खाओ खाओ। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही है? अभी कल तक मेरे पास ना घर था ना परिवार, पर इतने थोड़े से टाइम में आप लोग मुझे मेरा परिवार और ये जगह घर जैसे महसूस होने लगी है। हेलो। ऐसे हेलो मत बोलो यार, डर जाएंगी। तुम चुप बैठो। हेलो मतलब परिवार तक तो ठीक है,
लेकिन ये घर वर का लफड़ा मत पालना, और अगर पालना है तो इधर उधर किधर पालना है उधर पालो, लेकिन मेरे बिल्लू निवास की तरफ आंख उठा कर मत देखना, क्योंकि यहाँ रहने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। यहाँ सिर्फ मैं रहूंगा, बिल्लू द स्पाई। ए, का कर रहे हो यार तुम? चुप, फिर बाहर आ गए, जाओ अंदर लॉकअप में। पुष्पा जी, देखो आपने पुष्पा जी की जगह ली है तो आप हमारे लिए पुष्पा जी हो गई ना। नहीं बिल्लू जी, पुष्पा जी ना बहुत अच्छी थी। थी? सॉरी मैडम। देखिए आप परेशान मत होइए, मैं कोई ना कोई इंतजाम कर लूंगी। अरे क्या इंतजाम कर लूंगी, कोई इंतजाम करने की जरूरत नहीं है, हमने फैसला कर लिया है, तुम हमारे साथ रहोगी हमारे घर पर। बबीता जी आप क्यों तकलीफ ले रही है, मैं हूँ ना, तुम रहोगी? नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि गौरी जी मेरे साथ मेरे क्वार्टर में रहेंगी। हाँ और कंपनी चाहिए होगा तो हम तो है ही। सी कंपनी? नहीं जरूरत नहीं है जीते, उनकी कंपनी के लिए मैं काफी हूँ। संतोष जी हम उनके कंपनी का बात नहीं कर रहे, हम दोनों के कंपनी का बात कर रहे हैं। तो फिर हो गया ना फैसला, गौरी जी मेरे साथ मेरे घर पे रहेंगी। तुम एक वार्डन के होते हुए तुम तय करोगी कौन कहाँ रहेगा? ट्रेनिंग के वक्त भी हमने तय किया था कि तुम्हारी करिश्मा मैडम कहाँ रहेगी, और तुम है ना ज्यादा सवाल करो ही मत, तुम्हारे सवालों से हमारा माथा घूम जाता है। सॉरी आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। पुष्पा जी अच्छी थी। पुष्पा जी अच्छी है, डरा देते यार तुम। क्या हुआ, रो क्यों रही हो? बस सोच रही थी कि आप लोग मेरे कुछ नहीं लगते, फिर भी कितनी फिक्र है आपको मेरी, और वो मेरे भाई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं किस हाल में हूँ, शायद उनके लिए मैं तभी मर गई थी जब एक जमीन के टुकड़े के लिए उन्होंने मुझे कागज पे मार दिया था। देखो देखो रो मत। अम्मा कहाँ है आपके अस्थाना साहब? आते ही होंगे, मीटिंग तो कब की खत्म हो गई है। आप मैडम कुछ लेंगी, चाय? नहीं। कॉफी? नहीं। शरबत? का शरबत? ये शरबत का होता है बे? शरबत तो वो मैडम होता है ना ठंडा ठंडा मीठा मीठा जो घोल के पीते हैं। शरबत? हाँ। अम्मा तो सीधा सीधा बोलो ना शरबत, ये चरबत चरबत का लगा रखा है। वो क्या है ना मैडम जी, हमें बचपन से बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम है, हम जब भी चा को चा बोलने जाते हैं तो चा निकल जाता है, और हम जब भी चा बोलते हैं तो चा हो जाता है। हाँ तो चा को चा बोलेंगे तो चा चा ही होगा, चा भ तो नहीं होगा। आप चमजी नहीं? नहीं हम चा, हम समझ गए तुम्हारा चा और स का दिक्कत चल रहा है। चई चमजी। नाम कहाँ है तुम्हारा? माई सेल्फ सुरेश चकचेना। सुरेश सक्सेना जी। अम्मा जब बचपन से इतना चल का दिक्कत लेके चल रहे हो तो नाम भी तुम, खैर छोड़ो तुम उनका पर्सनल असिस्टेंट हो, पीए हो जी। लीजिए आ गए अस्थाना साहब। आइए मैडम आइए बैठिए। अरे भाई इनको चाय वाय पूछा कि नहीं? चल चाय कॉफी और अपना स्पेशल वाला शरबत भी पूछा। शरबत भी पूछा। तो आप हमारे प्रोजेक्ट गोल्डन टावर में फ्लैट लेने में इंटरेस्टेड हैं? जी। मुझे नहीं पता था कि अंडर टेबल इतनी कमाई हो रही है कि पुलिस वाले भी टावर में फ्लैट ले रहे हैं।
क्यों सुरेश जी? चाहिए चार? बिल्कुल चाहिए। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। गलती आपका नहीं है, नजरिए का गलती है। जैसा नजरिया वैसा संसार। अब आपका नजरिया ही मक्कारों वाला है तो आपको सामने वाला भी मक्कार नजर आता है। इंसल्ट कर रही है? आपको क्या लगता है? इंसल्ट? बस वही कर रहे हैं। बड़ा मजाकिया नेचर है आपका। भाई मेरे को ऐसे ऐसे मजाकिया लोग बहुत पसंद है। चाहिए चाहिए, बिल्कुल चाहिए मैडम, जोकिंग है। नहीं नहीं, देखिए क्या है, आप किस तरह पैसे कमाती हैं, क्या करके कमाती हैं, क्यों कमाती हैं, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। अभी आप मेरे टावर में फ्लैट देखने आई हैं तो मेरा काम है आपको फ्लैट दिखाना, है कि नहीं? तो चलिए मैं आपको फ्लैट दिखाता हूँ, आइए। आइए मैडम। तो बताइए कौन से विंग में लेंगी आप फ्लैट? ये हम यहाँ जमीन लेने आए हैं और आप फ्लैट का बात कर रहे हैं। वाह वाह, बड़ी मजाकिया है। नहीं नहीं, हमने बिल्कुल मजाक नहीं किया, हम बहुत सीरियस हैं। ये जिसका जमीन है और जिसका इस पे हक है उसको हम वो उसका हक दिलाने आए हैं वापस। इसमें आपको कौन सा मजाक का बात लग गया? पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप यहाँ पर फ्लैट लेने नहीं आई हैं, कोई और बात है ना? बिल्कुल करेक्ट लग रहा है आपको। हम यहाँ पे आपका बहन गौरी, उसको उसका जमीन और उसका हक वापस दिलाने आए हैं जिस पे आप कब्जा करके बैठे हुए हैं। आपकी बहन वहां महिला पुलिस थाने में बैठी है आपके खिलाफ कंप्लेंट लेकर। पूरा जालसाजी सुने हैं हम जो आपने किया अपनी बहन के साथ। हम भी वादा कर कर आए कि उसको उसका इंसाफ दिलाकर रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और ये तो पूरा शहर जानता है कि SHO करिश्मा सिंह अपने वादे का कितना पक्की है। तो आप भी आ गई उसके झांसे में। करिश्मा जी, वो एक बहुत बड़ी फ्रॉड है, मेरी छोटी बहन जैसी दिखती है नहीं, बहुत ही होशियार और चतुर औरत है वो। पता नहीं हर जगह कैसे पहुंच जाती है, मेरी बहन का नाम लेती है। और आपकी इसमें बिल्कुल कोई गलती नहीं है, आपकी जगह कोई भी होता तो मान लेता कि वो मेरी छोटी बहन है। वो मेरी जमीन हड़पना चाहती है, मैं उसकी नहीं। जमीन तो मेरी बहन के नाम है और मेरी बहन 7 साल पहले मर चुकी है। उसकी अस्थियां पानी में बहाई है, मैंने अपने हाथों से। मेरी बहन मुझे बहुत याद आती है, आपको पता नहीं मैं उसको कितना मिस करता हूं। उसकी हर छोटी छोटी बात, बचपन से लेके आज तक उसकी हर बात मुझे याद आती है। उसका बचपन है, उसका लड़कपन, उसका हंसना, सब याद आता है मुझे। ये आपकी बहन है जिससे आप बहुत प्यार करते हैं? जी हाँ, ये मेरी बहन है गौरी। आज कुछ खास तैयारी, कोई खास जश्न नहीं हो रहा है आज के दिन में? इतना सन्नाटा है क्यों? ऐसा क्या खास होना चाहिए था? भूल गए आप? आज 20 अक्टूबर है। 20 अक्टूबर तो हर साल आता है ना रे? देखता हूँ सर। आज आपकी प्यारी बहन का जन्मदिन है। हाँ तो आपने साफ साफ लिखवाया हुआ है उनका जन्म तिथि और पुण्य तिथि, भूल गए आप? बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब जिस बहन को आप पल पल याद करते हैं आप उसका जन्मदिन भूल गए। नहीं, कहानी तो आपने बहुत अच्छा बनाया लेकिन तैयारी जो है ना वो अच्छे से नहीं कर पाए आप। अब हमारे सामने आओ और हमारे आमने सामने बात करो अपना असली चेहरा दिखाकर। देखो भाई, तुम्हारे कुछ भी जानने न जानने से कुछ नहीं होगा क्योंकि सबूत मेरे पास है, इसका तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। कोर्ट को सबूत चाहिए। मैं दुनिया के किसी भी कोर्ट में सिद्ध कर सकता हूं कि ये जमीन मेरी है। मेरी बहन को मरे हुए 7 साल हुए हैं और मरे हुए आदमी का वजूद नहीं होता। अरे भाई, जब गौरी का वजूद ही नहीं रहेगा तो कौन मानेगा असली गौरी का सच?
कोई कुछ भी सिद्ध नहीं कर सकता, लिख के ले लो, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बिगाड़ दिया, क्या कर लोगे? करिश्मा सिंह, हमारी लड़ाई भी आपसे नहीं है, लेकिन इस अंधे जोश और आपके अंदर के इस गुस्से से, जो किसी भी काबिल अफसर में नहीं होना चाहिए। अब सुनो तुम हमारा बात, दोहराने का हमको आदत नहीं है, इसलिए एक बार में सुन लियो। तुम्हारे बहन के साथ ना हम कदम से कदम मिलाकर खड़े और उसको इंसाफ दिला कर रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अब ये बात तुम लिख के ले लियो। वाह, चैलेंज तो दे आई आप अस्ताना को, अब उसके खिलाफ कोई सबूत तो है नहीं आपके पास? फिर दिमाग में कुछ है, कोई प्लान, कोई स्कीम, कोई तरकीब? नहीं, अभी कुछ नहीं है, पर चला रहे हैं अपना दिमाग, थोड़ी देर में हमको रास्ता भी मिल जाएगा। सब पता है हमको क्या होने वाला है। क्या होने वाला है? पहले तो जो आपकी वो स्कीम है ना, उसके बारे में सोचने की कोशिश करेंगी आप, और जब कोई रास्ता नहीं मिलेगा अस्ताना पर हाथ डालने का, तो भौकाल मचा देगी। हम सब जानते हैं कि अस्ताना साधन संपन्न आदमी है, आपकी इस गैर जिम्मेदाराना हरकत का वो खूब फायदा उठाएगा, उल्टा थाने में ही कचहरी खड़ी कर देगा वो। बिना हाथ पैर चलाए आपसे तो कोई काम होता ही नहीं है ना। सत्य वचन, 100% करेक्ट। चुप। देखिए बबीता जी, जैसा आप सोच रही हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत संयम आ गया है हमारे अंदर, और हमने बहुत सारे ऐसे केसेस सॉल्व कर दिए बिना हाथ उठाए, बिना मारपीट किए। ये बिल्लू चंपत, ये यहाँ का स्थायी निवासी है, ये आपको बताएगा कि हमने कितने सारे केसेस, बिल्लू कितने सारे ऐसे केसेस हमने बिना मारपीट और बिना हाथ लगाए सॉल्व किए, बताओ अभी। का पुष्पा जी का आत्मा आ गया तुम्हारे अंदर। पुष्पा जी की याद आई। पुष्पा जी, आई मिस यू। नहीं मतलब मुझे ऐसे बहुत सारे केसेस याद आ रहे हैं, लेकिन उसमें से कुछ गिने चुने जो केसेस हैं उनमें इन्होंने हाथ पैर कम और दिमाग ज्यादा चलाया, ऐसा एक भी केस नहीं है। मतलब बिल्लू, ऐसा घुसन लगाएंगे ना कि यही फड़फड़ाओगे उल्टे कॉकरोच के जैसे। चलो अंदर अंदर जाओ। जीते, तुम बताओ कि कितने ऐसे केसेस हमने तुम्हारे सामने, हमने बिना हाथ पैर चलाए मारपीट किए सॉल्व कर दिए, बताओ। मैडम, हमारे आज तक के पुलिस करियर में हम जब तक देखे हैं आपको ना, तब तक आप सारा केस ना अहिंसा के साथ बिल्कुल शांति पूर्वक सॉल्व किए हैं। वो देखो, एक मिनट मैडम, ऐसे हम अपना दिमाग पर बहुत जोर डाल के सोच रहे हैं ना, तो भी हमको एक भी ऐसा केस नहीं याद आ रहा है जो करिश्मा मैडम बिना एक्शन के सॉल्व किए हैं। हाय हसीना मैडम, वो ना बड़ा एकदम सारा केस जो ना एकदम सूझबूझ और समझदारी के साथ सॉल्व करती आ रही हैं हसीना मैडम। अभी केक को ही देख लीजिए ना, हसीना मैडम से फोन पर हम बतिया रहे थे ना, तो ये आइडिया हमको हसीना मैडम दी कि गौरी जी का जो बर्थडे है, जन्मदिवस है, उसको हम थाना में मनाएं। क्या है कि वो बेचारी अकेली है ना, तो यहाँ पर हम सब लोग मिलकर उनका जन्मदिन मनाएंगे तो उनको अच्छा लगेगा। एक काबिल इंसान ही दूसरे काबिल इंसान की काबिलियत समझता है, जैसे हसीना मैडम आपकी काबिलियत समझती है, लेकिन आप हसीना मैडम को काबिल नहीं समझती इस केस को सॉल्व करने के लिए। एक बार फोन कर लीजिए, पूछ लीजिए आगे इस केस में क्या करना है। नहीं, हम फोन नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमें उनका जरूरत नहीं लग रहा है। जब हमें लगेगा उनका हेल्प, तो हम उनसे फोन करके उनका हेल्प मांग लेंगे, लेकिन फिलहाल नहीं। वाओ, क्या बहस चल रही है। करिश्मा मैडम जीतेगी पक्का। बबीता जी जीतेगी पक्का। करिश्मा मैडम। बबीता जी, लगा 500 का लगा, ऐसे ही लगा। कब तक इतनी जिद्दी, इतनी हठी और इतनी अड़ियल रहेंगी आप? देखिए बबीता जी, शायद आप भूल रही हैं कि आप सब याद है हमें। जब अकेडमी में सीनियर आपकी रैगिंग करते थे, तब रोते हुए आती थी आप हमारे पास, मैडम हेल्प, मैडम हेल्प। वो मेरी छुट्टियां काट रहा है, उसने मुझे मारा, उसने मुझे छेड़ा। बबीता जी, आप ये का बात लेके बैठ गई हैं? मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, आगे आपकी मर्जी। देखो बबीता जी, ट्रेनर हैं,
करिश्मा मैडम ट्रेंड है। अब आपका इजाजत हो तो हम कुछ ऑर्डर कर ले, हमको बहुत भूख लगा है। क्या है, सुबह से हमने कुछ खाया नहीं है और जब तक हम खाते नहीं है हमारा दिमाग एकदम चलता नहीं है और फटता भी है, इसीलिए उस अस्थाना का नट पाना कसने का कोई आइडिया नहीं सूझ पाया हमें अभी तक। देखो ये टोपा वगैरह है ना, ये बबीता जी से चुराया हुआ ही नहीं है। कर ले ऑर्डर, हम भूखा तो हम सबको 9 दिन रहना है। तो क्या 9 दिन केस सॉल्व नहीं करेंगी आप? बबीता जी, अगर आप व्रत का बात कर रही हैं तो हम शुरू से ही व्रत नहीं रखते हैं। हाँ भैया, अब व्रत रखने के लिए तो विल पावर, आत्मसंयम की जरूरत पड़ती है, वो कहाँ से लाएंगी ना आप? नहीं, विल पावर का बात नहीं है, हम भूख के कारण व्रत नहीं रख पाते हैं क्योंकि खाली पेट हमारा दिमाग नहीं चलता है और हमारी ड्यूटी पर थोड़ा असर पड़ जाता है, इसलिए। बबीता जी, सब बहाने हैं, विल पावर ही नहीं है तुम में। और किसने कहा कि व्रत रखने के लिए भूखा रहना जरूरी है? व्रत रखने के लिए भूखा रहना जरूरी नहीं होता, माँ को अपनी भक्ति, अपना प्रेम, अपनी श्रद्धा दिखाने के और भी तरीके होते हैं। अरे बहुत से ऐसे लोग हैं जो मजबूरी में व्रत नहीं रखते, तो वो क्या करते हैं? क्या करते हैं वो लोग? कुछ दिनों के लिए जब तक माता रानी के पवित्र दिन चल रहे हों वो अपनी एक बुरी आदत का परित्याग करते हैं, प्रण लेते हैं कि जब तक माता रानी के वो दिन चल रहे हैं वो उस आदत को छोड़ देंगे। तो बताइए ऐसा कौन सा आदत है हमारा जो आपको बुरा लगता है? आपको लगता है कि हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, हम अभी प्रण लेते हैं। प्रण लीजिए कि जब तक माता रानी के दिन चल रहे हों आप किसी पर हाथ नहीं उठाएंगी, भौकाल नहीं दिखाएंगी अपना। का हुआ, बोलती बंद? यही है माँ की भक्ति आपके लिए? यही है माँ की श्रद्धा? यही है आपका सेल्फ कंट्रोल? क्या माँ के लिए इतना भी नहीं कर सकती आप? इतना भी प्रण नहीं ले सकती आप? हाँ तो ठीक है, हम प्रण लेते हैं। हम प्रण लेते हैं कि जब तक माता रानी के शुभ दिन चल रहे हैं हम किसी पे हाथ नहीं उठाएंगे। और अगर प्रण टूटा तो? माता रानी के नाम पे प्रण लिए हैं, प्राण जाए तो जाए लेकिन प्रण नहीं टूटने देंगे। हाँ तो ठीक है, हम प्रण लेते हैं। हम प्रण लेते हैं कि जब तक माता रानी के शुभ दिन चल रहे हैं हम किसी पे हाथ नहीं उठाएंगे। और अगर प्रण टूटा तो? माता रानी के नाम पे प्रण लिए, प्राण जाए तो जाए लेकिन प्रण नहीं टूटने देंगे। बबीता जी, अब आपका इजाजत हो तो केक काट लिया जाए। चीते, हाँ चीते, 500 रुपए निकाल। से मैं क्या करूंगा? 7 रुपए को 493 रुपए भाग देंगे। मैडम मैडम मैडम, आप सच बोलिएगा मैडम, जानबूझ के रुकसाई ना करिश्मा मैडम को, जानबूझ के एकदम समझदारी के साथ सारा परपंच बनाए तब फंसाई ना उनको, और इसीलिए कसम दी ना ताकि किसी को मारे ना। मैडम सॉरी मैडम, लास्ट टाइम चेता रहे तुमको, हमको ज्यादा सवाल करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। एक करिश्मा सिंह हमारे अंदर भी मौजूद है जो तुम्हारी करिश्मा सिंह की गुरु है, समझ में आई बात? अगली बार जो सवाल किया ना तो देख लेना। चलो अब केक काटते हैं। छुरी लाए हो? कोई बात नहीं, बबीता जी हैं, चलो। जन्मदिन का बहुत बहुत मुबारक गौरी। आपको कैसे पता चला कि आज मेरा बर्थडे है? अम्मा हम पुलिस वाले हैं और पुलिस वाले पता लगा ही लेते हैं, क्यों संतु जी? हैप्पी बर्थडे गौरी जी। अरे गौरी जी, ये देखिए कितना बढ़िया वाला केक आया है आपके लिए। देखिए पुष्पा जी और हसीना मैडम भी आ गई आपको बर्थडे विश करने के लिए, इनका मुबारकबाद एक्सेप्ट कीजिए भाई। जानी हम ये ले आए। वेरी गुड। हाँ भाई चलो केक काटो। क्या हुआ गौरी? मरे हुए लोगों का कैसा जन्मदिन बबीता जी? देखिए हम बहुत बड़ा दार्शनिक बात तो नहीं कहेंगे, स्ट्रेट इंसान है, स्ट्रेट बात समझते हैं, इसलिए स्ट्रेट कहेंगे कि जो जिंदा होता है ना उसका जिंदा होने का मतलब होना चाहिए। तुम खुद डिसाइड करते हो कि तुम जिंदा हो कि नहीं, और बाकी जो चीजें हैं ना वो सब ढकोसले हैं। क्या है ढकोसले? ठीक है हम जानते हैं बहुत मुश्किल है, लेकिन ऊपर वाला भी उसी का साथ देता है जो अपनी मदद खुद करता है। गौरी नवरात्रे चल रहे हैं, माँ पर भरोसा रखो, वो तुम्हारी हर तकलीफ दूर करेगी। ठीक है
मेरे लिए तो आप सभी माँ दुर्गा का रूप है और मुझे पूरा विश्वास है कि माता रानी ने आप लोगों को मेरे लिए ही भेजा है। अच्छा आप रोना धोना बंद कीजिए और फटाफट केक काटिए। हाँ चलो। हाँ चलो। हाँ गौरी जी, जब से केक देखे ना तब से हमारा लाल टपक रहा है, हम तो कब का खा जाते हैं। जो शमशान के इंचार्ज है ना, उनको बोल दिए 2013 का सारा रिपोर्ट चेक करने के लिए। अभी आएंगे और बता देंगे कि गौरी अस्थाना का अंतिम संस्कार हुआ था कि नहीं। है संतू जी, आप ऐसा काहे कर रही है? सर्दी हो गया क्या आपको? रो रही हैं आप संतू जी? संतू जी, यहां पर जो कोई भी आके इसे रोता है ना, उसके पास रोने का एक वजह होता है। आप ऐसे काहे रो रही हैं संतू जी? जी तो वाइफ भी मैटर करती है ना, सुबह से लेके अभी तक हम शमशान के चक्कर काट रहे हैं। तो सोच सोच के ख्याल आ रहा है मुझे कि कुछ भी हो, आना तो एक दिन यहीं पर है। सोच रही हूँ ना, ये सब जो नौकरी वोकरी ना, सब छोड़ झाड़ के हिमालय चली जाऊँ मैं। नहीं 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 संतू जी, हिमालय हिमालय कहाँ जाइएगा आप? संतू जी बहुत दूर है हिमालय, वो क्या कीजिएगा वहाँ पर जाकर? जगह नहीं, वो ओपन फ्रिज है, इतना ठंडा रहता है वो। पर जीते जीवन में क्या रखा है, एक दिन तो मरना ही है ना। संतू जी आप समझे नहीं, देखिए क्या है कि एक दिन मरना तो सबको है ही, लेकिन एक ही दिन सबको मरना है ऐसा तो नहीं है ना। सबका मृत्यु तय है, किसी को आगे मरना है, किसी को पीछे मरना है, किसी को साथ जीना है, साथ मरना है। और जब साथ जीना है तो जिंदगी है, जिंदगी है तो इंसान है, इंसान है तो शादी है, शादी है तो बीवी है, बीवी है तो बच्चे, और बीवी बच्चे हैं तो गृहस्थ जीवन है, गृहस्थ जीवन है तो एक घर है, और घर के सामने एक नेम प्लेट है जिस पर लिखा हुआ है चीता चतुर्वेदी। और नहीं चीते, ये सब मोह माया है, सब छल है, सच तो चिता है। थैंक यू संतू जी। चीता नहीं, चिता, जिसपे लेटा कर फूफ करके जला देते हैं। कैसे करके? फूफ करके। संतू जी आप ना हमको देखिए ऐसे डराइए मत। संतू जी हमको इसे बूफ करके जलना नहीं है, हमको ना अभी अभी शादी करना है, हमको ना अपने बीवी के साथ इसे मनाली ना हनीमून पे जाना है, और पहाड़ के ऊपर बैठ के एकदम आइसक्रीम खाना है हमको। तो चीते तू करना शादी, तू आइसक्रीम का पहाड़ पे बैठ के, मैं हिमालय जाऊंगी। छोड़िए संतू जी सब फालतू बात, हम लोग किधर लग गए शादी ब्याह के बात में, आया क्यों नहीं अभी तक ही? क्या हुआ? संतू जी अरे जिंदा आदमी है, देखिए 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 जिंदा है, भूत भूत नहीं है। अरे भाई का आदमी है, अभी इधर आइए ना। संतू जी आप ठीक है? शमशान के इंतजार यही है, मिनी हार्ट अटैक दे दिया आप हमको संतू जी। सॉरी सॉरी। अच्छा तो आप लोग यही जानना चाह रहे थे ना कि 2013 में गौरी अस्थाना नाम की लड़की का दाह संस्कार कहां पर हुआ था? आपका शक सही था, गौरी अस्थाना नाम की लड़की का दाह संस्कार यहीं पर हुआ था। ये देखिए ये सब हमारे रिकॉर्ड में है। 13 जुलाई 2013 को गौरी अस्थाना नाम की लड़की का दाह संस्कार यहीं पर हुआ था। तो उस वक्त की सीसीटीवी फुटेज मिलेगी? देखिए मैडम ये शमशान है और इतना पुराना सीसीटीवी फुटेज हम नहीं रखते, लेकिन हाँ उस वक्त के कुछ हमारे पास फोटोग्राफ पड़े हैं, देखिए शायद वो आपके काम में आ जाए। जी ये ली। चलिए संतू जी। थैंक यू भैया।
में ये कहा बकैती है? जिंदा हमारे सामने खड़ी है गौरी, और ये क्रियाक्रम कैसे हो सकता है? मैडम हमको क्या लगता है, अस्थाना जो है ना, ये किसी और के लाश को अपनी बहन का लाश बता कैसे कर्म क्रिया किया हुआ है? मैडम हसीना मैडम इस जगह पे होती तो वो कैसे सोचती इस परिस्थिति में? उनको फोन लगा के पूछेगा? मैडम हम तो ऐसे ही कह रहे थे, जस्ट फॉर फन। ज्यादा उसकी जरूरत नहीं है, हम जानते हैं वो क्या करती, आखिर है तो वो हमारी ही चेली। मैडम सर भी आपकी स्टूडेंट रह चुकी है। क्या बात है, आपके दो छात्र जिनमें से एक एकदम अर्जुन और दूसरा ना एकदम दुर्योधन। नहीं 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 सॉरी सॉरी, मेरा मतलब है शकुनी। नहीं नहीं मैंने जेन्युइनली टीवी पे देखा था कि वो ना संतु जी। हाँ? संतु जी पर्सनल लेवल पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप शांत रहिए, पर रावण वावण सब पार कर जाइएगा। नहीं मैडम, दो स्टूडेंट आपके दिल में से एक अर्जुन और दूसरा भी अर्जुन, डबल रोल एकदम। सॉरी मैडम। हाँ तुम्हारी हसीना मैडम ने हमसे ही ट्रेनिंग ली। गई पुष्पा जी, गई ट्रेनिंग के वक्त ही मैंने परख लिया था उनकी काबिलियत को, वहां से ही पता चल गया था कि वो कितनी इंटेलिजेंट थी, हमारी फेवरेट थी। इनकी तरह नहीं कि सिर्फ हाथ पैर चलाती थी, अकल का इस्तेमाल भी करती थी वो। अब गुणगान ही करती रहेंगी या फिर बताएंगी भी कि अगर आपका फेवरेट स्टूडेंट यहां होता तो क्या करता? नहीं सवाल नहीं कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। किसी भी बॉडी को जलाने से पहले जांच होती है, और वो जांच एक सर्टिफाइड डॉक्टर ही करता है, और उसके बाद ही उसके परिवार वालों को डेथ सर्टिफिकेट दिया जाता है, और उसी के बाद लाश का दाह संस्कार करने की कानूनी मंजूरी मिलती है। मतलब हमें डॉक्टर बंसल को पकड़ना पड़ेगा जिन्होंने किसी भी लाश को गौरी के नाम पर चिपकाकर उसका डेथ सर्टिफिकेट इश्यू करवाया है। उसकी जरूरत नहीं, हम पता लगा चुके हैं, बिल्लू को भेजा है नगर पालिका वो रिपोर्ट निकलवाने के लिए, जिसके बिना पर किसी और को गौरी बताकर उसका दाह संस्कार किया गया है। बस अभी आता ही होगा। जिसके पीछे पड़ जाए उसके मुंह से निकले हाय हाय, रिपोर्टिंग बिलू द स्पाई। यार आ गया सर दर्द। रिपोर्ट दो। इतनी आसानी से कदापि नहीं। फिर से पगला गया है। बिल्लू बिल्लू बिल्लू। बबीता मैडम अभी बोल रही थी ना कि जो बिल्लू निवास है ना उसको तुड़वा कर उसको खाली करने का सोच रही थी, कैसा आइडिया है इनका? जीते बालक सब्र रखो सब्र रखो। तुम्हें पता है ये रिपोर्ट निकालने के लिए मुझे कितना पढ़ना पड़ा है? पढ़ना पड़ा? हाँ, इनके आदेश के अनुसार मैं गया था नगर पालिका के कार्यालय में, वहां जाके ये मैं चुराने वाला था गौरी जी का डेथ सर्टिफिकेट रिपोर्ट। वहां जाके देखता हूँ तो क्या, चारों तरफ फाइलें ही फाइलें। उस फाइल में से मुझे ढूंढना है ये डेथ सर्टिफिकेट, इसीलिए मुझे एक एक फाइल ऐसी पढ़नी पड़ी, तब जाके ये रिपोर्ट मेरे हाथ लगी है। इतनी मेहनत की है तो ये आसानी से मैं आपके हाथ देने वाला नहीं हूँ, कदापि नहीं। लगाए कंटा क्या देते हो आप? करिश्मा मैडम आपने कसम खाई है, व्रत रखा है कि आप हाथ नहीं उठाएंगी। हाँ पर हम तो हाथ उठा सकते हैं ना। तो ये लो। ये रिपोर्ट तो किसी डॉक्टर बंसल ने बनाई है। अबे क्या कर रहा है बे? दबा इधर। आपका अंदाजा चराचर चही निकला चरकार। आपने बोला था ना SHO करिश्मा सिंह। SHO करिश्मा सिंह, वही तो बोल रहा हूँ चरकार, SHO करिश्मा सिंह। आगे बोल। चरकार आपने बोला था ना SHO करिश्मा सिंह कभी भी डॉक्टर बंसल तक पहुंच सकती है, पहुंच गई है चरकार। एक अब आगे क्या करना है बताइए। इससे पहले कि करिश्मा सिंह डॉक्टर बंसल तक पहुंचे। समझ गया चैत, समझ गया। इससे पहले कि करिश्मा सिंह डॉक्टर बंसल तक पहुंचे हमें उच्च तक पहुंचना होगा और उसे ऊपर पहुंचाना होगा। करिश्मा सिंह को नहीं बे, डॉक्टर बंसल को ऊपर पहुंचाना है। पुलिस से पंगा अफोर्ड नहीं कर सकते हम, डॉक्टर बंसल जिंदा नहीं रहना चाहिए। सॉरी चर सॉरी, समझ गया।
और कहा होगा। ये क्या है, आप ना मुझसे लॉकअप का किराया ले लो, लेकिन इस तरह मौत के मुंह में बार बार क्यों घसीट के लाते हो? मौत के मुंह में नहीं आए, मुर्दे के पास आए हैं। यहाँ पे मरने के बाद आते हैं लोग बिल्ला। हाँ तो मैं तो जिंदा हूँ, फिर मैं यहाँ क्यों? क्योंकि आपको आपको लाश बनना है बिल्लू जी। क्या हम समझे नहीं, क्या क्या? क्योंकि आपको लाश बनना है बिल्लू जी। क्या साइलेंस? मतलब यहाँ कौन सोए हुए, किसके लिए साइलेंस रखी? बाहर लोग जिंदा है जो सुन सकते हैं, समझे? चुप जाएंगे मैडम। हाँ आप भूल देती ना, हम यहाँ पर आने वाले हैं। मैंने मनाली से जैकेट लिया था, वो ले आती, कम से कम पहनने तो मिल जाता मुझे। माफ कर दो संतू, हमको नहीं पता था कि यहाँ पे इतना ठंड होगा, हमसे गलती हो गया। इट्स ओके, मैं एडजस्ट कर लूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। संतू जी, मैं आपका जैकेट लेके आता हूँ। बिल्ला? हाँ नहीं नहीं, मैं एडजस्ट नहीं करूंगा, मैं लाश नहीं बनूंगा। हम मौत से क्या डरना, मौत से सबका यारी है, आज तुम्हारा कल हमारा बारी। ठीक है तो कल आते हैं। बिल्ला अभी घंटा पड़ेगा। क्या हुआ बिल्लू जी? नहीं वो हार्ट अटैक जैसा फील हो रहा है। बहुत बढ़िया बात है, हमने तो सोचा था कि तुमको नकली लाश बनाकर लेटाएंगे, लेकिन अब असली लाश बनकर यहाँ लेटो तुम। नहीं नहीं नहीं, हाँ बताओ क्या करना है, बताओ। अभी तो बोला लाश बनना है। संतोष जी प्लान क्या है वो बताओ। हम बता रहे हैं, हमसे पूछो ना। देखो डॉक्टर बंसल जो है वो इस हॉस्पिटल का इंचार्ज है, और जितना भी ये डेड बॉडीज तुम देख रहे हो ना यहाँ पे, ये सब अनक्लेम्ड है। अनक्लेम्ड का मतलब होता है जिसका कोई आता पता नहीं है, लापता है, जिसको कोई दावा करने वाला नहीं है, कुछ पूछने वाला नहीं है। हाँ माँ बाप नहीं है जिसका। हाँ तो डॉक्टर बंसल ने इनमें से किसी लाश को गौरी के नाम पर चिपका कर वो सर्टिफिकेट निकलवा लिया है, समझे तुम? और हम पूरा श्योर है कि आज भी वो ये लाशों को बेचने का घटिया और ये गंदा धंधा करता है, इसलिए आज हम उसको रंगे हाथों पकड़ने आए हैं, समझ में आया? इसलिए हाँ। तुमको वहां पर लेटना है, समझ में आया? हाँ हाँ हाँ। तो जाओ जाके वो स्ट्रेचर पे लेट जाओ तुम। ये चप्पल निकाली या नहीं? चप्पल हमारे सर पे फोड़ दो। कहाँ छुपू मैं, यहाँ पे छुपने की जगह नहीं, उसके पीछे जाके छुपू। हाँ टांगे काट दो और छुप जाओ, क्योंकि नीचे से पैर दिख रहा है। कहाँ छुपू? तुम एक काम करो, स्ट्रेचर के नीचे जाके छुपो और आराम से। हाँ हम यहाँ छुपते हैं, आराम से। तो बात नहीं करी कि हम हैं नीचे यहाँ पे। मैडम कंट्रोल नहीं हो रहा है, डर के मारे डर अपने अपने तरीके से निकल रहा है। करिश्मा मैडम। हाँ संतु, शरीर तो जम गया है, आत्मा भी जम जाए, उससे पहले वो डॉक्टर आ जाएंगे ना? हाँ बस अब आने वाले हैं, बस थोड़ा संयम रखो, संयम। हाँ हाँ रख रही हूँ। कब तक मैडम, अगर वो डॉक्टर बंसल नहीं आए तो? तो चुप रहो। आइए 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 आइए, घबराइए मत, ये अपना ही हॉस्पिटल है। आइए देखिए, ये सारी अनक्लेम्ड बॉडीज हैं, इनमें से आपके पिताजी की बॉडी किससे मैच होती है ये मुझे बता दीजिए। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपको डेथ सर्टिफिकेट बनाकर दे दूंगा, आप निश्चिंत हो जाइए। देखिए आप अपने जीवित पिताजी का इंश्योरेंस क्लेम कर दीजिए, और वो क्लेम के 20% जैसी अपनी बात हुई है, तो आप मुझे बताइए इनमें से आपके पिताजी की बॉडी किससे मैच होती है? देखिए इनसे मैच होती है। आइए आइए इधर आइए, ये देखिए इनसे मैच होती है।
हाँ सर, ये बॉडी पिताजी से मिलती है। ये हुई ना बात, डन। ये बॉडी आपकी हुई। इधर आइए ना। एक मिनट सर। जी। क्या हुआ? सर एक छोटी सी दिक्कत हो गई। अब क्या दिक्कत है? सर वो पिताजी गंजे हैं और उनका एक हाथ भी नहीं है। ये पर बॉडी के ऊपर तो एक भी बाल नहीं है। नहीं सर, थोड़ा सा है। थोड़ा सा है? हाँ तो कोई बात नहीं, पूरे बाल निकाल देंगे। अरे गंजा कर देंगे गंजा। पर ससुर जी के चेहरे पे एक बड़ा मार्क था और वो भी यहाँ से लेके यहाँ तक। मार्क था तो हम भी बना देंगे मार्क। बॉडी के गाल को चीर कर सेम टू सेम वैसा मार्क बना देंगे। लेकिन सर उनकी एक आंख भी नहीं है। एक आंख भी नहीं जी? अरे तो हम बॉडी की एक आंख निकाल लेंगे, नो प्रॉब्लम। नहीं, मैं अपनी आंख और हाथ निकालने नहीं दूंगा। अरे ऐसे कैसे तुम्हारे पिताजी टूटे फूटे ट्रक के नीचे आए थे? अरे तुम जिंदा कैसे हो गए? तुम तो अभी तुम लाश बेचने का घटिया धंधा करते हो। कोई बड़ा बात नहीं है कि मुर्दा निकल कर आएगा और तुमसे हिसाब मांगने लगेगा। देखो हम सीधा पॉइंट पर आते हैं। तुमने अस्ताना का बहन गौरी अस्ताना का नकली रिपोर्ट्स बनवाया है ना? चुपचाप बता दो वरना इन लाशों के साथ एक और लाश ऐड हो जाएगा तुम्हारा, बता रहे हैं हम। नहीं मैं ये कह रहा था कि क्या कह रहे थे हम तुमसे कुछ पूछे? अभी तो पिघल जाओ, धूप में आ गए हम। जल्दी चला पीछे पुल से, जल्दी जल्दी। आराम से जल्दी जल्दी चलो। क्या बोल रहे हो? आराम से जल्दी जल्दी चलो। जल्दी जल्दी पीछे ही है, जल्दी। उसको हॉर्न दो, हॉर्न दो। उसको हॉर्न दे दूंगी तो फिर मैं क्या बताऊंगी? चलाओ चलाओ। चला तो रही हूँ बिल्लू। उतर उतर उतर, ये इतना बड़ा है?
उतर उतर उतर, ये इतना बड़ा है। मैडम आपने कसम खाई थी ना कि आप हाथ नहीं उठाएंगे, आपका व्रत है ये। कुछ भी हो जाए हम अपना कसम टूटने नहीं देंगे। व्रत आप नहीं तोड़ेंगे लेकिन ये सांड जैसा आदमी हमें तोड़ देगा। अच्छा? देखो आज मेरा लड़ने का मूड नहीं है और मैं किसी को नहीं बचाऊंगा, मेरे भरोसे मत रहो। अम्मा तुम कटो। बिल्लू जी, मैडम आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं करूंगी। वेट एंड वॉच। आपका व्रत, व्रत लिया है हाथ ना उठाने का लेकिन पैर तो उठा सकते हैं ना, और ऐसे जमीन के कीड़ों को पैर से ही कुचला जाता है। वाह करिश्मा मैडम वाह। संतु तुम थोड़ा साइड में जाओ। चलिए चलिए। गौरी का ये सब? वैसे तो मरे हुए लोग कंप्लेन नहीं किया करते, पर गौरी का इंटरव्यू देखने के बाद हम मरे हुए लोगों में एक जिंदगी जीने की आस जगी है। एक उम्मीद है कि शायद हमें भी जिंदा मान लिया जाए। मैडम हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ दिलाइए मैडम। हमें इंसाफ चाहिए। हाँ ठीक है मैडम, हमको गौरी ने इन सब के बारे में बताया। ये मृतक महिला संघ की महिलाएं हैं। अस्थाना ने इन सभी को कागज पर मृत घोषित कर दिया है और इन सब की प्रॉपर्टीज हड़प ली है। का आज की डेट में गौरी की तरह ये सब मर चुकी हैं और इनकी सारी संपत्ति का मालिक अब अस्थाना है। पर यही सब क्यों, औरतें ही क्यों?
वो अस्थाना औरतों के साथ ही क्यों ऐसा करता है? नए हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम के बारे में तो आप जानती ही हैं। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने एक नया नियम लागू किया है। अब बेटी भी अपने पिता की चल अचल संपत्ति की उतनी ही अधिकारी है जितना कि बेटे। उसका भी अपने पिता के जायदाद पर उतना ही अधिकार है जितना कि बेटों का। तो अब हो ये रहा है मैडम कि जो भी हमारे भाई कजिन दूर के रिश्तेदार है वो अपने ही घर की महिलाओं को एक थ्रेट की तरह देख रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि उनको जो मिलने वाला है उनमें उनकी बहनें भी बराबर की हिस्सेदार हैं। और यहाँ से शुरू होती है अस्थाना की असली भूमिका। अस्थाना जो है वो ऐसे ही परिवार को टारगेट करता है और उनसे डील करता है, और डील के तहत उन परिवार की महिलाओं को कागज पर मृत घोषित कर देता है और उनकी सारी संपत्ति उनके परिवार वालों से आधे दामों में खरीद लेता है। अब फायदा दोनों का है, परिवार वालों के लिए एक वारिस कम हो जाता है और अस्थाना करोड़ों की प्रॉपर्टी कौड़ियों के दाम खरीद लेता है। और ये बेचारी औरतें अपना हक भी नहीं मांग सकती, ये लड़ भी नहीं सकती, क्योंकि सरकारी कागज पर ये पहले से ही मृत घोषित कर दी गई है। ये सब दोगला चरित्र है। एक तरफ औरत को माँ का स्वरूप कहा जाता है, देवी का दर्जा दिया जाता है, तो दूसरी तरफ एक औरत के साथ उसी का ही परिवार वाला ऐसा घटिया छल करता है, उससे उसका पूरा जिंदगी छीन लेता है, उससे उसका वजूद छीन लेता है, कोई कहने सुनने वाला भी नहीं होता है। नहीं, अब हम ऐसा नहीं होने देंगे, ऐसा नहीं होगा। अब आप सब लोग इस लड़ाई में अकेली नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। हम SHO करिश्मा सिंह आप सबके साथ हैं और हम आपको वादा करते हैं कि दशहरा से पहले हम आप सबको इंसाफ दिलाकर रहेंगे। आप सबको आपकी पहचान वापस दिलाकर रहेंगे, वो भी पूरे अधिकार और पूरे सम्मान के साथ। और ये तो पूरा पूरा शहर जानता है कि करिश्मा सिंह अपने वादा का कितना पक्की है। बोलो जय माता दी, 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 जय माता दी। फिर क्या हुआ बिल्ले? फिर क्या, करिश्मा मैडम बोली, बिल्लू मेरे हाथ तो बंधे हुए हैं और मैंने भी व्रत ले लिया है हाथ ना उठाने का, तो मैं हाथ नहीं उठा सकती तो इन गुंडों से तुम्हें ही निपटना है। बिल्लू तुम ही बचाओगे हमें, बिल्लू। एक मिनट, करिश्मा मैडम ऐसा बोली? हाँ बिल्कुल, क्यों? क्या है ना कि कैरेक्टर और डायलॉग ना बिल्कुल मैच नहीं हो रहा है। खैर तुम सुनाओ यार, जब तक झेल पाएंगे तब तक सुनेंगे। सुनाओ आगे क्या हुआ। हाँ तो मैंने रजनी सर को याद किया, रजनी सर गिव मी द पावर, बिल्लू द स्पाइस। उस सामने वाला गुंडा मेरे तरफ आया, वैसे ही मैंने पैर उठाया ये और यो। ये का है, पत्तों को इकट्ठा किया और इन्हीं पत्तों के साथ उनका पत्ता काट दिया। उस सामने वाली दुकान में ढेर सब जानते हैं हम, जहाँ पर लड़ने गए थे ना वहाँ पर कोई दुकान नहीं है। अरे दुकान है ना, आज ही नहीं खुली थी और आज ही टूट गई। एक और शब्द अपने मुंह से निकाला है ना तो यहीं पर खत्म करके रख देंगे तुमको, समझे? बिल्कुल टोपा समझ के रखे हो क्या, हैं? चूरन समझा है? बकवास करते रहोगे हम सुनते रहेंगे। बहुत सही मैडम, बहुत सही बोली, एकदम सही बोली है इसको। बिल्लू पता है तुमको, बिल्ले अगर तुम्हारे साथ थोड़ा सा भी पर्सनल रिलेशन नहीं होता ना तो 3-4 बाल जो बचा ना ये भी नोच देते आज हम। उसे करके लात से घुमा दिए। पुष्पा जी, पुष्पा जी आप इधर आइए, इधर आइए पुष्पा जी।
ये झूठी कहानी गढ़ने के लिए करिश्मा मैडम ने कहा था ना तुमको? हाँ, उस पहलवान को भी करिश्मा मैडम ने मारा था ना? नहीं 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 नहीं, करिश्मा मैडम ने नहीं मारा था। उनका तो व्रत है ना, उन्होंने हाथ उठाया नहीं। नहीं, सच कहो। अरे झूठ बोल रहा है ये, हाथों से नहीं पैरों से मारा था, पैरों से। चुप ना। बात कर रहे हो? मैडम एकदम पैर से कूद डाली हो। मालूम था हमको। ये लड़की नहीं सुधरेगी। मैडम मैडम आप कहाँ इतना अपसेट हो रही है? नहीं, हमको तो लगता है करिश्मा मैडम बहुत सही की। कहा कि अगर मैडम ऐसा नहीं करती तो ये दुष्ट पापी कैसे हम लोग के हाथ में आता है? मैडम समझ गए मैडम, सवाल नहीं है, पसंद है आपको मैडम, किसी तरीके का कोई भी सवाल आपको पसंद नहीं है, हमसे गलती से मुंह से सवाल निकल गया, सॉरी। हम अपसेट नहीं है, खुद से नाराज है। हमने उनको हाथ न उठाने का व्रत लेने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए था। हम जानते हैं उनको, अब व्रत ले लिया है तो व्रत तो वो पूरा करेंगी, लेकिन इस बार उनका मुकाबला अस्थाना जैसे शैतान के साथ है। इस कसम के साथ कैसे लड़ेंगी वो लड़ाई? खैर, उस अस्थाना ने करिश्मा मैडम को बुलाया अपनी ऑफिस पे आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने के लिए। बस अब तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाए और लड़ाई की नौबत ही ना है। क्या हाल? सब ठीक? ठीक है मैडम। अरे आप आइए 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 आइए, बैठिए। बैठने नहीं आए हैं। बड़ी मजाकिया है आप। चलिए, आप अगर नहीं बैठ रही हैं तो हम खड़े हो जाते हैं। जय माता दी बोलने से माता खुश नहीं हो जाती है। उसके लिए औरतों का आदर और उनका सम्मान करना पड़ता है, जो शायद इन जैसे लोगों को ना समझ में कम आता। संतु, गलत फहमी है आपको, महिलाओं के प्रति हमारे मन में बहुत आदर है, इसीलिए हमने तय किया है कि हमारी बहन गौरी को उसका हक दिला के रहेंगे। गोल्डन टावर की जितनी जमीन है, जितना उसका शेयर है, वो उसको मिल के रहेगा प्रॉफिट के साथ। अरे भाई देख क्या रहे, लाओ पेपर दिखाओ। जी सरकार, ये लीजिए। ये देखिए, ये सारे पेपर्स रेडी हैं। गौरी की जमीन का एक एक पैसा मैं लौटा रहा हूँ। क्या बात है, एफआईआर फाइल होते ही आपको ये सब याद आ गया? नहीं मैडम। हाँ संतू, देख रहे हैं हम। अब देखिए, परिवार है, परिवार में कैसा तेरा मेरा है ना। ये देखिए, तस्वीर से हार भी हटा लिया। आप क्यों परेशान होती है भाई? आपस का मामला है बहन भाई का। कमाल का बात है, हम हैरान होते हैं कभी कभी भगवान पर कि जब तुम्हारे जैसे लोग वो बना ही रहे थे तो गिरगिट का प्रजाति बनाने का क्या जरूरत था, क्योंकि रंग बदलने के लिए तुम्हारा योगदान काफी है दुनिया में। अब बात सिर्फ तुम्हारा बहन गौरी का नहीं है, अब बात उन सभी महिलाओं का है जिनके साथ तुमने ये गंदा छल किया है। अब मिलेगा, अब सबको अधिकार और उनका इंसाफ साथ मिलेगा। क्या? मैं समझा नहीं, किसकी बात कर रही हैं? अच्छे से पता है तुमको कि हम क्या बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उन मृतक महिला संघ की, जिन्हें तुमने जीते जी मारकर उनसे जीने का अधिकार छीन लिया, और साथ ही साथ उनका जमीन छीन कर उनसे जीने का उनका सहारा भी छीन लिया। उन औरतों की बात कर रहे हैं हम। अभी याद आया या और कुछ याद दिलाएं तुमको? जी आपके वो जमूरे को सब याद है, आपका पार्टनर है ना वो, फिलहाल पुलिस के हिरासत में वो, और कल कोर्ट में आपके खिलाफ वही गवाही देगा। हम भी देखेंगे कि कोर्ट में तुम्हारा जो ये याददाश्त है ना, ये तुम्हारा कितना साथ देता है। फिर भी चलो, दिया एक और मौका देते हैं तुम्हें कोर्ट के बाहर सेटलमेंट करने का। अगर तुम कोर्ट के बाहर सेटलमेंट करना चाहते हो तो अभी के अभी गौरी और उन सभी औरतों का पहचान और उनका जमीन वापस करो। मैडम, उंगली दिया तो आप तो गर्दन तक पहुंच गई,
क्या मैडम, बिजनेसमैन हो, फायदा छूटता नहीं और नुकसान बर्दाश्त नहीं होता। शराफत से आपको ऑफर दिया था, आपको रास नहीं आया, तो अब आपको जो कुछ लेना है वो कोर्ट से लीजिए, यहां से अब आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब मैं आपको दिखाऊंगा कागज की असली पावर। बहुत घमंड है ना तुम्हें अपने ये कागज की असली पावर पर, तो हम भी तुमको वादा करते हैं कि तुम्हारा यही कागज है ना कि तुम्हारा ये सोने का लंका जलाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, कल कोर्ट में मिलते हैं। चलो संतु। चरकार, हार वापस चरा दूं तस्वीर पे? नहीं, हार तो अब करिश्मा की तस्वीर पे चढ़ेगा। जय हिंद मैडम। जय हिंद बबीता जी। इतना सोच रही हैं, मतलब उलझन में हैं। आपसे कुछ बात करना है हमको। अरे कोर्ट नहीं जाना क्या, टाइम हो रहा है। जाना है पर अब बैठिए ना, बस थोड़ी देर का ही बात है। क्या क्या हुआ? हमें आपका राय चाहिए इस केस में। अब हम आपको क्या राय देंगे, हम हेड कांस्टेबल है और आप SHO यहाँ की। आप हमारा सबसे सच्चा दोस्त और सबसे सुलझा हुआ सलाहकार है। आज तक हम किसी भी मुसीबत में फंसे हैं ना, तो हमेशा हमने ये सोचा कि अगर बबीता जी इस मुसीबत में होती तो वो क्या करती। हमने भी वही किया और हमेशा उस मुसीबत से हम निकल कर बाहर आए हैं। हीरो हैं आप हमारा हीरो। बस बस बहुत हो गई मक्खनबाजी, अब बोलो क्या बात है। हमने अस्ताना का स्टेटमेंट ठुकरा कर सब गड़बड़ा दिया ना। हम मानते हैं हम गरम दिमाग के हैं, कुछ कुछ करने से पहले सोचते नहीं है, लेकिन उस वक्त हमें जो ठीक लगा ना हमने वो कर दिया। अब हमें नहीं पता कि हमने सही किया या गलत किया। आप बताइए हमें कि अगर मैडम सर हमारी जगह होती तो क्या हमसे बेहतर डिसीजन लेती? नहीं, आपने जो किया वो बिल्कुल सही किया। हसीना मैडम होती तो वो भी यही करती। हम जानते हैं तुम दोनों बहुत अलग हो, कोई समानता नहीं है तुम दोनों में। एक उत्तर है तो दूसरी दक्षिण है, लेकिन एक बात है तुम दोनों में जो एक जैसा है, वो है तुम्हारा फर्ज, तुम्हारी ड्यूटी, जो तुम्हारी वर्दी में नहीं तुम्हारे खून में दौड़ती है। तुम दोनों न्याय के लिए किसी भी हद तक जा सकती हो, और बस यही बात है कि तुम दोनों हमारी इतने दिल के करीब हो, हमारी इतनी फेवरेट हो। एक मिनट, हम भी आपके फेवरेट हैं? नहीं, शुक्रिया इस बात के लिए, पर अभी चीते के सामने आप ही कह रही थी कि मैडम सर ही सिर्फ आपका फेवरेट है, तो हमको लगा कि वही आपकी फेवरेट होंगी। जलने की बू आ रही है हमें। टाइम हो गया, आप चलिए कोर्ट के लिए निकलना, हम आते हैं। हेलो संतु जी। बैठो जल्दी बैठो। बैठिए संतु जी। चलिए आइए मैडम, बैठिए आइए। कहाँ, किधर है? जाना है ना? तो मतलब जगह खाली था तो हम बैठ गए। खाली चिता देखोगे लेट जाओगे। उतरो प्लीज मैडम। अरे कचहरी जाना है, पिकनिक पे नहीं जा रहे हम। क्या कर रहे हैं बकैती? पीछे जाकर करिश्मा मैडम की गाड़ी में बैठो, वो इम्पोर्टेंट गवाह लेकर जा रही है, वहाँ तुम्हारा ज्यादा जरूरत है। निकलो। डांट क्यों रहे हैं मैडम, जा रहे हैं। उतरो उतरो। संतु जी आप ख्याल रखिएगा, अपना पानी उनी पीते जाइएगा। जा रहे मैडम, जा रहे मैडम। हम हैं संतु जी, हम पीछे ही हैं। मुंह का ताक रहे हो, अंदर चलो अंदर चलो।
अरे एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, अरे अरे एक मिनट, एक मिनट, रोको रोको, गाड़ी स्टार्ट नहीं कर रहा, बिल्कुल स्टार्ट नहीं कर रहा, एक मिनट। क्या हुआ बिल्लू जी? नारियल फोड़ना है, शुभ शकुन होता है, नहीं तो अपशकुन हो जाएगा। रुको, फोड़ो फोड़ो फोड़ो। हाँ अबे छापड़ी के जल्दी फोड़ना, वरना तेरा नारियल फूट जाएगा, समझा क्या? एक मिनट रुको रुको रुको, ये लो बिल्लू भाई, अपने सर पे पड़ो, इधर 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 इधर, एकदम सही जगह है। हो गया हा? देखो जीत हमारी होगी और उस अस्ताना की हार होगी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता, माता दी। चलिए चलिए चलिए, जाओ जाओ जाओ, विजयी भव। अरे एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, रुको रुको ना, उड़ा दीजिए मैडम, वैसे बहुत फालतू है। बिल्ला कहाँ बकैती है? नारियल, नारियल फोड़ना है, सुबह शकुन। तो अभी क्या तोड़ रहे थे तुम? नारियल ही तोड़े हो ना उस गाड़ी में, तो काफी है, कटो अभी कटो। महत्वपूर्ण काम के लिए जा रहे हैं, तू रुको रुको रुको, सुबह शकुन। माता रानी रक्षा करना, माता रानी। लेकिन ए बिरयानी में यूज मत कर पूजा का नारियल है, पता है मुझे। अच्छा पंडिका ये लो, मैं आता हूँ, ठीक है, प्रसाद रखना, फोन करना। हाँ। पुलिस बंसल को लेकर निकल चुकी है। करिश्मा सिंह, तुम्हारी फोटो पर हार चढ़ाने का टाइम अब आ गया है। कर रही हूँ। सर सॉरी सर। तुम उनको पकड़ के बैठो ना, इनको क्या पकड़ के बैठे हो? गाड़ी हेलीकॉप्टर की तरह चलाएंगे तो ऐसे ही बैठना पड़ेगा मैडम। लेट हो गया चीता। हाँ मैडम। हम यहाँ तुम कहाँ, बिखर गया है ये जिंदगी, रूठ गया है ये जहाँ। संतु जी आप गाड़ी चला रही हैं वहाँ, हम आपको मिस कर रहे हैं यहाँ। चुप रहो, टेप रिकॉर्डर खा कर आए हो, की लाइन बार बार बोले जा रहे हो, कांच तोड़ के बाहर जमीन पे बिछोगे तुम। समझ गए मैडम। ये कहाँ पकड़ती है? ऐसे कैसे पत्थर बिछा दिया सड़क पे? है बाबू जाओ जरा जाके हटाओ तो। एक मिनट। मुलजिम हो यार तुम कैसे जाओगे? जा रहे ना हम? जा रहे मैडम, जा रहे ना। जैन सर। जैन, करिश्मा सिंह कहाँ है? बस आती ही होंगी, हम अंदर चलते हैं, कार्रवाई शुरू होगी। ठीक है। ए गाड़ी चला, वरना इसका भेजा उड़ा दूंगा। ए चल। मैडम, मैडम, करिश्मा मैडम। इतना गंदा शेर भी थोड़ी सुना दिए थे कि आप हमको छोड़कर ही चली गई मैडम, अब हम कैसे? मैडम
तब तो आ जाना चाहिए था। आ जाएगी सर। ए, ज्यादा हिलो मत, वरना गोली चल जाएगी। चलो अभी लेफ्ट ले, यहां से लेफ्ट ले। अब कोर्ट नहीं, कहीं और जाएंगे। ए तू चुप। संतोष कहाँ रह गई करिश्मा मैडम? अभी तक आई क्यों रही? मैं फोन करके पूछती हूँ। क्या हुआ? फोन नहीं उठा रही है वो। जिता को फोन लगा। जीता? जीता कहाँ रह गया था? करिश्मा मैडम कहाँ है? करिश्मा मैडम कहाँ है मतलब? हमको आधा रास्ता में उतार के आ गई थी, हम तो खुद रिक्शा से आ रहे हैं। नहीं पहुंची क्या मैडम? नहीं। जज साहब पधार रहे हैं। आई मैया की सासू मैया, इधर 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 का लगावे तुमको? रुक जाइए मैडम, रुक जाइए, गोली मत चलाइए। अगर आपने गोली चला दी तो आपका व्रत टूट जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय माता दी। कोर्ट की कार्यवाही शुरू की जाए। योर ऑनर, मैं कोर्ट का कीमती वक्त जाया ना करते हुए सीधे मुद्दे पर आता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, अस्थाना साहब ने अपनी बहन के साथ धोखा करते हुए उन्हें सरकारी कागजों पर मृत घोषित कर दिया। ना सिर्फ मृत घोषित किया बल्कि उनकी जमीनें भी हड़प ली। और यह काम अस्थाना साहब ने, यानी कि इनके अस्थाना जी ने, सिर्फ गौरी के साथ ये नहीं किया बल्कि गौरी जैसी दर्जनों लड़कियों को शिकार बनाया इस बात का। कहां रहेगी करिश्मा सिंह? आई क्यों नहीं अभी तक? मानवता की कैसी ट्रेजेडी, कैसी त्रासदी है कि जो औरतें सही सलामत जिंदा इस अदालत में मौजूद हैं, उनका डेथ सर्टिफिकेट आपके हाथ में है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। अभी अपराध साबित नहीं हुआ है जज साहब, और अपराध साबित होता है गवाहों से, सबूतों से। मैं वकील साहब से कहना चाहता हूं कि उनके पास ऐसा क्या सबूत है जिससे कि मेरे मुवक्किल अपराधी साबित होते हैं? योर ऑनर, मैं अपने काबिल दोस्त को यह बता देना चाहता हूं कि यह बात मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं बल्कि इस केस का प्राइम विटनेस है हमारे पास।
डॉक्टर बन सके। उन्होंने यह स्वीकार किया है कि वो सोची समझी साजिश के तहत श्रीमान अस्थाना साहब के साथ मिलकर जालसाजी और धोखाधड़ी को अंजाम दिया है। योर ऑनर, डॉक्टर बंसल की गवाही से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। डॉक्टर बंसल को हाजिर किया जाए। कहां हैं आपके विटनेस डॉक्टर बंसल? आप उन्हें पेश कीजिए अदालत में। योना, हमारी ऐसे जो करिश्मा सिंह उन्हें लेकर निकल चुकी हैं, बस आती ही होंगी। लीजिए, ये हैं लखनऊ महिला पुलिस। इतना महत्वपूर्ण गवाह आज समय पर कोर्ट में हाजिर नहीं है। जिस मुस्तैदी से आपने मेरे मुवक्किल पर आरोप लगाए हैं ना, उन आरोपों को साबित करने के लिए कोर्ट में गवाह का पेश करना भी जरूरी होता है। आपको पता होना चाहिए कि कोर्ट का समय कितना कीमती है। बाधा पहुंचाने के लिए क्षमा चाहता हूं न्यायाधीश महोदय। हमारी ऑफिसर करिश्मा सिंह आती ही होंगी, यहां की उपस्थिति के लिए उन्हें थोड़ा समय दिया जाए। भविता मैडम, अभी तो फोन ही स्विच ऑफ बता रहा है। कहाँ है एसएचओ करिश्मा सिंह और कितना वक्त लगेगा? सर, हमको पूरा यकीन है कि ये काम इस कमीने का है। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारी एसएचओ करिश्मा सिंह को जबरदस्ती रोका जा रहा है सर, ताकि वो डॉक्टर बंसल को इस कोर्ट में पेश ना करें। ये सारी साजिश इस कमीने अस्थाना की है। इसकी ये हंसी, ये कमीनी हंसी साबित कर रही है कि सब कुछ ये ही कर रहा है। योर ऑनर, शांत रहिए प्लीज। योर ऑनर, करिश्मा सिंह का जान मुश्किल में है, आप कुछ मदद करें, आप कुछ कीजिए, सत्य का साथ दीजिए। मैं सच कह रही हूँ, मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, आप सत्य का। ऑर्डर ऑर्डर, आप शांत रहिए और पीछे हटिए। अगर हमारी बच्ची को कुछ हो गया ना अस्ताना, तो फाड़ के रख देंगे, बता रहे हैं तुमको। लेकर जाइए इन्हें यहाँ से। बबीता मैडम, नहीं छोड़ेंगे तुमको। कोर्ट की मर्यादा का पालन करें। योर ऑनर, देखिए किस तरह से ये यहाँ पर दादागिरी दिखा रही हैं। इस भरी अदालत में एक सीनियर हेड कांस्टेबल आपकी मौजूदगी में एक सम्मानित व्यक्ति को किस तरह से धमका रही हैं? इनका खुद का गवाह तो कोर्ट में आया नहीं और ये आम लोगों को हड़का रही हैं। जैसा आप इनसे पूछे कि कहां हैं इनके गवाह और कहां हैं डॉक्टर बंसल। योर ऑनर, वो भी आ जाएंगे। अरे ठीक है, पर हमारे पास वक्त नहीं है। आप कोर्ट का बेकार में समय बर्बाद कर रहे हैं। योर ऑनर, मैं
मैं हूं डॉक्टर बंसल। आपको जो भी कहना है विटनेस बॉक्स में आके कहिए। सबसे पहले बंसल साहब, आप अदालत को यह बताएं कि आप कहां थे और इतनी देर तक क्यों नहीं आए। जिंदा रहना है ना, कोर्ट में वही सब कहोगे जो अस्थाना साहब चाहते हैं, समझे तुम? हाँ। वरना मारे जाओगे। ठीक है ठीक है, चलो अब कोर्ट में सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हाँ। जवाब दीजिए डॉक्टर बंसल साहब, आप कहां थे और यहां आने में आपको देर क्यों हुई? वो SHO करिश्मा सिंह मेरा एनकाउंटर करने की कोशिश की। झूठ, झूठ बोल रही है। वो ऐसा क्यों करेगी अपने बाबा के साथ? ये सच है, उन्होंने मुझे जान से मारने की कोशिश की। वो थाने से तो हम निकले थे यहाँ कोर्ट में आने के लिए, मगर उनका इरादा मुझे यहाँ लाने का नहीं था, मुझे जान से मारने का था। इसीलिए उन्होंने अपने कांस्टेबल चीता चतुर्वेदी को रास्ते में गाड़ी से उतार दिया ताकि उनकी इस गैर कानूनी हरकत का कोई गवाह न बचे। और वो मुझे सुनसान जगह पर ले गए, मुझे कहा कि मुझे मिस्टर अस्थाना के खिलाफ झूठी गवाही देनी होगी, तो मैंने साफ साफ इनकार कर दिया। तो वो मुझे डराने लगे, धमकाने लगे, मुझे मारा पीटा, पर मैं नहीं माना। तो वो भड़क गई, आपे से बाहर हो गई। उन्होंने मुझे कहा कि गाड़ी से उतरो और भागो, तो मैं भागने लग गया, तो उन्होंने मुझ पर गोलियां बरसाई। वो तो अच्छा हुआ कि उनका निशाना चूक गया। चचा, वो तो मेरे कर्म अच्छे थे जो मैं यहाँ आ पहुंचा, वरना मैं अस्पताल के किसी बेड पर पड़ा हुआ होता और मेरा पोस्टमार्टम हो रहा होता। बकवास कर रहा है ये आदमी, कुछ भी बोला जा रहा है, कहानी गढ़ रहा है सर, ये सब मिले। जज साहब मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए जज साहब। सर सर, ये आदमी झूठ बोल रहा है। हम जानते हैं करिश्मा सिंह को, वो कभी ऐसा नहीं कर सकती। हम कोच रहे हैं उनके, हमने ट्रेनिंग दिया है उनको, हम उनको अच्छी तरह से जानते हैं योर ऑनर। वो मरती मर जाएंगी लेकिन कोई गैर कानूनी काम नहीं करेंगी, वो कभी ऐसी गद्दारी नहीं करेंगी अपने फर्ज से। मैं जानती हूँ उससे, ये अस्थाना की साजिश है सर, मैं सच कह रही हूँ, ये साजिश है। ऑर्डर, आप शांत रहिए और पीछे हटिए। देखिए, आप इस तरह से किसी के ऊपर बिना सबूत के कोई इल्जाम नहीं लगा सकते, आप पर कार्यवाही हो सकती है। DSP साहब, समझाइए अपने स्टाफ को। मैं क्षमा चाहता हूँ सर। ऐसी परिस्थिति में SHO करिश्मा सिंह को यहाँ होना चाहिए और अपना पक्ष सबके सामने रखना चाहिए। पर कहाँ है करिश्मा सिंह? अब क्यों आएंगी करिश्मा सिंह योर ऑनर, उनकी सच्चाई सामने आ चुकी है। वैसे तो हम सब जानते हैं न्यायाधीश महोदय, किंतु आज हम ये नहीं जानते कि हमारे पुलिस ऑफिसर SHO करिश्मा सिंह कहाँ है, किस खतरे से जूझ रही हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि वो इस कोर्ट में आएंगी और अपने आप को बेगुनाह साबित करेंगी। हम किसी ट्रैक रिकॉर्ड के अनुसार नहीं कह रहे हैं, इतने सालों की सर्विस के अनुभव से कह रहे हैं कि ऐसी कर्मठ, निष्ठावान, मेहनती और ईमानदार ऑफिसर करिश्मा सिंह ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। और उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए, और कोर्ट से यह भी अनुरोध है कि उन्हें इस कोर्ट में उपस्थिति के लिए कुछ समय और दिया जाए। जज साहब, ये केस पानी की तरह एकदम साफ है, मेरी गुजारिश है आपसे कि आप इसका फैसला आज ही कर दीजिए। योर ऑनर, मैं अदालत से गुजारिश करूंगा कि हमें थोड़ा वक्त दिया जाए ताकि हम इस केस में और काम कर सकें। यह अदालत
एसएचओ करिश्मा सिंह को 4 दिन की मोहलत देती है। चार दिन के बाद इस केस पर फिर से सुनवाई होगी। उस सुनवाई में एसएचओ करिश्मा सिंह को अपना पक्ष सबके सामने रखना होगा। द कोर्ट इज adjourned। अफसोस है इस बात का। करिश्मा जी के लिए ना मन में ऐसी चिंता खाए जा रही है। पता नहीं वो कहां होंगी, किस हालत में होंगी, पता नहीं जिंदा भी हैं या भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। जय माता दी। तुम जहां कहीं भी हो तुमको आना है करिश्मा, ये केस तुम्हीं को सुलझाना है, इन सारी औरतों को इंसाफ दिलवाना है। लड़ना है, जीतना है, अपनी वर्दी का मान रखना है, अपनी औरत होने का अभिमान रखना है। कहाँ हो करिश्मा, कहाँ हो, कहाँ है हम